नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का आपके चैनल अमित एडिटिंग पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि मून लाइट इफेक्ट उन फोटो में कैसे डालते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं आप देख सकते हैं फोटो कितने गजब रिटच हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने फोटो की रिटच कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्मल फोटो, इस फोटो को शेयर करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो दोस्तों हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गया है। सबसे पहले हम चलेंगे लाइट में, लाइट में चल के राइट को एडजस्ट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा देंगे और हाईलाइट को कम कर देंगे। तो दोस्तों और बैकग्राउंड ज़्यादा हाईलाइट है इसे कम कर देते हैं, तो इतना बिल्कुल सही है। और शैडो को हम 100 कर देंगे। तो दोस्तों शैडो को 100 करते हैं, हमारे फेस पे हल्का लाइट आ चुका है, देख सकते हैं आप। और व्हाइट को हल्का सा कम कर देंगे। तो दोस्तों इतना बिल्कुल सही है। और ब्लैक को हल्का सा हम लोग कम कर देंगे। तो दोस्तों इतना बिल्कुल सही है। अब चलेंगे कलर में, टेम्परेचर को हल्का सा कम कर देंगे और वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे। इतना सही है। और सैचुरेशन को कम कर देंगे हल्का सा। तो दोस्तों इतने बिल्कुल सही। आप चलते हैं मिक्स में, मिक्स मैनिपुलेटर सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देंगे। अब चलेंगे ऑरेंज में, जो हमारे फेस का कलर होता है, सैचुरेशन हल्का सा कम कर देंगे और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे। चूँकि दोस्तों इतना बिल्कुल सही। आप चलते हैं येल्लो में, येलो के सैचुरेशन को मैं 100 कर देंगे और ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद चलेंगे ग्रीन में, ग्रीन के सैचुरेशन को मैं 100 कर देते हैं और हल्का सा ल्यूमिनेंस बढ़ा देते हैं। और ह्यू को हम लोग प्लस 100 कर देंगे। अब चलते हैं लाइट ब्लू में, लाइट ब्लू के सैचुरेशन को हम लोग मैं 100 कर देंगे, उसको ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद चलेंगे ब्लू में, ह्यू को माइनस ले आएंगे और दोस्तों इतना बिल्कुल सही है। और सैचुरेशन को हल्का सा कम कर देंगे और ल्यूमिनेंस को हल्का सा कम कर देंगे। अब चलते हैं पर्पल में, पर्पल ह्यू को हम लोग कम कर देंगे और सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देंगे। और ल्यूमिनेंस हल्का सा कम कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं, हमारे टी शर्ट पर हल्का ब्लू टोन आ चुका है, टील वाली टोन। अब चलते हैं मेजेंटा में, मेजेंटा के सैचुरेशन को माइनस 100 कर देंगे, उसका दोस्तों डन कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा फोटो आधा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं कलर ग्रेडिंग में, थोड़ा कलर ग्रेड सिखाएंगे आपको। और इस तरह से सुपर कर लेना है। और छोटा सा आपको दोस्तों एरो दिख रहा है, कैसे यूज करना है बता देंगे। सबसे पहले क्या करना है, सैचुरेशन को प्लस 100 कर देना है और इस तरीके से ह्यू को लेकर आना है, कलर को मैच करना है। तो दोस्तों 257 हम रख देंगे और सैचुरेशन को हम लोग कम कर देंगे। ल्यूमिनेंस को हम लोग कम कर देंगे। जिससे कि हमारे फोटो में थोड़ी क्वालिटी बढ़ जाए। अब दोस्तों हम चलेंगे मिड टोन में,
मिड टोन की सेचुरेशन को हम बढ़ा देंगे। फोर्टी नाइन के अराउंड रख देंगे और ह्यू को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों 201 रख देंगे हम लोग और ल्यूमिनेंस हल्का सा कम कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना बिल्कुल सही, आप ध्यान दीजिएगा। आप उसको चलेंगे हाईलाइट में, हाईलाइट की सैचुरेशन को प्लस 100 कर देंगे। और इस तरह से को लेकर जाएंगे हम लोग। और बिल्कुल इतना रख देंगे और ल्यूमिनस हल्का सा कम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे फोटो में ब्लू टोन आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद ब्लेंडिंग में चलेंगे, छेड़ेंगे। ब्लेंडिंग को -41 कर लेना है। दोस्तों इन्हें बिल्कुल से उसका बैलेंस हल्का सा कम कर लेना है। तो दोस्तों हमारे फोटो में मून टोन आ चुकी है, देख सकते हैं आप। उसको यहाँ डन कर देना है। अब जैसे फोटो में थोड़ा क्वालिटी क्लियरिटी डालेंगे, उसको चले जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में क्लियरिटी हल्का सा बढ़ा देंगे और डी एच हल्का सा बढ़ा देंगे और बी एड हल्का सा कम कर देंगे। और मिड पॉइंट को हम लोग 0 कर देंगे और फैदर को हम 100 कर देंगे। अब जो थोड़ा चलेंगे डिटेल में, फोटो में डिटेलिंग डालेंगे। शार्पिंग हल्का सा बढ़ा देंगे और नॉइस रिडक्शन को हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों कलर नॉइस रिडक्शन को हल्का सा बढ़ा देंगे। दोस्तों डन करते हैं। तो दोस्तों हमारा फोटो पूरा अच्छे तरह रिटच हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिफोर एंड आफ्टर। उसका दोस्तों सिंपली फोटो को सेव करने से क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस कर देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।